चाहिए और नहीं तो सरकार तुरंत इस्तीफा दे। तेलंगाना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय को हम कलेक्टर के माध्यम से हम जो ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं। राजनांदगांव कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने भारत मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले एक आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में तमाम आंदोलनकारियों का कहना है कि भारत में ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। दिन भर इस आंदोलन में वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन दिए, साथ में उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। नारेबाजी में लगातार वो ईवीएम के खिलाफ में नारे करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राजनांदगांव सहित देश के अनेक हिस्सों में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं भारत मुक्ति मोर्चा दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ियों की संभावना है और भरोसा भी कम है, इसीलिए हम बैलेट पेपर से चुनाव के लिए अपना ज्ञापन राजनांदगांव कलेक्टर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपना चाह रहे हैं। आज हम पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, वामसेव के माध्यम से और तमाम संगठनों के माध्यम से पूरे भारत में ईवीएम को के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपनी मांग कर रहे हैं कि यानी ईवीएम को बंद कर चुनाव आयोग जो है वो ट्रांसपेरेंटी बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। आज का जो धरना है उसका मुख्य उद्देश्य है जो चुनाव हो रहा है ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है और उसमें धांधली हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए उसके ईवीएम के विरोध में बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने की मांग को लेकर राजनांदगांव शहर में ही नहीं पूरे देश भर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। सबसे बड़ा धरना जो है दिल्ली में होने जा रहा है और उसी के विरोध में हम राजनांदगांव में यहाँ पर जो आज धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारा निवेदन है कि प्रजातंत्र बचाना है तो ये ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर के माध्यम से चाहे कोई भी चुनाव हो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, यही हमारा निवेदन है। दूसरा हमारा यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे, यहाँ का बलिराम कंपनी है, पेतान कंपनी सोमनी है, वर्धमान कंपनी टेढ़ेसरा में, श्रेष्ठ कंपनी जोरा तराई में है, इन कंपनियों में श्रम प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार ने श्रम विभाग खोल के रखा है मगर वो श्रम विभाग जो है पता नहीं किस कारण से उद्योगपतियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमारा निवेदन है कि सरकार बदल गई है, इस सरकार ने श्रम विभाग को जो है मजबूत करना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ईवीएम के विरोध में, तो उसी के विरोध में आज हम सब लोग यहाँ पर लगभग 11:30 बजे से इकट्ठे हुए हैं और अभी आपके माध्यम से हमारा निवेदन है, हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए जो हमने ज्ञापन भेजा है और उसमें हमने मांग किए है कि आने वाला जो चुनाव है वो जो बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए, ईवीएम के माध्यम से नहीं होना चाहिए। और यदि ईवीएम उन्होंने बंद नहीं किया तो निश्चित रूप से हम भी आंदोलन करेंगे और पूरे देश की जनता आंदोलन करेगी।